हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक और न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हम आ गए हैं आपके साथ एक नया टॉपिक लेके, एक नया वीडियो लेके। तो फ्रेंड्स देखिए, उससे पहले मैं अपना फ्लावर आपको दिखाते चल रही हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ अपने पारिजात प्लांट के बारे में फ्रेंड्स, कि जो कि बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। तो फ्रेंड्स, पारिजात प्लांट एक होता है ज़मीन में लगने वाला प्लांट होता है, जो कि एक मतलब कि उसको प्लांट पौधा नहीं बोल सकते हैं, उसका पेड़ हो जाता है, बहुत ही बड़ा ज़मीन में प्लांट होता है। तो उसको हम गमले में क्या करें कि जो कि अच्छी फ्लावरिंग दे। गमले में लगाना एक जान लीजिए कि चैलेंज वाली बात होती है फ्रेंड्स, कि गमले में हम लगा के उसमें पारिजात में फ्लावरिंग कैसे पाएँ। तो चलिए आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, पारिजात को मैं कैसे अपने गमले में लगाई हूँ और अच्छे अच्छे बर्ड्स बनना शुरू हो गए हैं अभी। तो चलिए मैं उसके पास चलती हूँ। और उससे पहले फ्रेंड्स देखिए, मैंडविला का प्लांट मेरा कितना खूबसूरत फ्लावरिंग दे रहा है और सारे फ्लावर इतने अच्छे हैं, इस टाइम बहुत ही अच्छे ब्लूमिंग कर रहे हैं। इधर अल्मांडा का प्लांट देखिए कितना अच्छा ब्लूमिंग किया है फ्रेंड्स। और इधर मेरा पोर्चुलो का पर्सुलेन है, जो कि हैवी फ्लावरिंग दे रहा है, इधर आप देख सकते हैं देखिए। तो चलिए मैं पारिजात के प्लांट के बारे में बात करने वाली हूँ फ्रेंड्स, ज़्यादा समय नहीं व्यतीत करवाऊँगी आप लोगों का। तो चलिए यहाँ आ गए हैं हम पारिजात के प्लांट के बारे में, और देखिए कि कितनी अच्छे बर्ड्स हमारे पारिजात में बनना शुरू हो गए हैं। देखिए हर एक ब्रांच में अच्छे अच्छे बर्ड्स बन गए हैं फ्रेंड्स। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूँगी कि कैसे मैं क्या की हूँ जो कि इतने अच्छे बर्ड्स बन गए हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं ये लाई थी पिछले साल, मेरा अभी एक साल भी नहीं हुआ है पारिजात का प्लांट लाए हुए। मैं इसको लाई थी दिसंबर मंथ में फ्रेंड्स, कि नवंबर में ऐसे ही लाई थी, तो लेकिन एक साल अभी नहीं हुआ है। और इसको मैं एक कंटेनर में लगा दी हूँ। देखिए जब भी आप पारिजात को फ्रेंड्स लगाएं, पारिजात को एक बड़े कंटेनर में लगाइए। हमेशा आप इस बात का ध्यान रखना, आपको रखना है कि कंटेनर में बड़ा होना चाहिए आपका, जो भी पॉट हो बड़ा साइज का हो। तो यहाँ देखिए मेरा 14 इंच का लगभग पॉट है ये कंटेनर। तो फ्रेंड्स मैं इसी में लगाई हूँ। और इसकी सॉयल मीडिया की बात करें आप, चलिए तो इसमें मैं ली हूँ 40% इसमें गार्डन सॉयल है फ्रेंड्स, और 30% इसमें कोई भी कंपोस्ट आप ले सकते हैं, चाहे काऊ आप कंपोस्ट, चाहे वर्मी कंपोस्ट, चाहे किचन कंपोस्ट। तो यहाँ मैं काऊ आप कंपोस्ट ली हूँ 30%, और 20% इसमें ली हूँ रिवर सैंड, और फ्रेंड्स थोड़ी सी नीम खली, और एनपीके आपके पास हो तो एनपीके मिला के इसको आप इसमें लगा दीजिए मिक्स करके। ये हो गया हमारा पॉट और सॉयल मीडिया की बात फ्रेंड्स। और इसमें रही बात वाटरिंग की, तो वाटरिंग का हमें ओवर वाटरिंग नहीं करना है फ्रेंड्स। तो अभी मैं इसमें फर्टिलाइज़र डाली हूँ, अभी बहुत दिनों से बारिश हो रही थी, हमारे यहाँ डेली बारिश हो रही है, फिर भी मैं फर्टिलाइज़र बना दी थी, तो मैं डाल दी हूँ इसमें बनाना पील फर्टिलाइज़र, तो मैं डाली हूँ फ्रेंड्स इसमें। और इसमें रही बात कि ओवर वाटरिंग नहीं होना चाहिए, और इसमें मॉइस्चर हमेशा बना के रखना है आपको। जब भी मतलब कि इसमें नमी सूखने लगे मिट्टी, तो आप इसमें वाटरिंग कर दीजिए। और देखिए कितना खूबसूरत है, मेरा अभी एक साल भी प्लांट नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं इधर कितने ब्रांचेज इसमें निकल गए हैं। जब मैं लाई थी तो बस पतला सा एक स्टिक टाइप का था ये पौधा मेरा, और इतने सारे अपने आप ही इसमें ब्रांच निकल गए हैं, मैं इसमें कुछ भी नहीं की हूँ। और यहाँ देखिए कुछ लोग यहाँ रहते हैं, तो मेरे आपको वीडियो शूट करते करते मैं दिखा दी, जो रेंट पे लोग रहते हैं इसको देखिए तोड़ डाले हैं, तो उसको मैं एक धागा से बांधूंगी अभी। ये देखिए, ये देख रहे हैं कितना अच्छा ब्रांच मेरा था, ये टूट गया है। तो आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स, और कहीं भी आप पारिजात का प्लांट बहुत ही शुभ होता है। इस महा मतलब कि समुद्र मंथन में पाया गया था, जैसा कि हम वेदों में पढ़े हैं, पुराणों में पढ़े हैं कि पारिजात के प्लांट समुद्र मंथन में पाए गए थे, लक्ष्मी जी का प्रिय प्लांट होता है फ्रेंड्स, से बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। तो हम यही कहेंगे कि आप इसको अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए। और रही बात कि इसकी फर्टिलाइज़र की, तो मैं जब भी फर्टिलाइज़र डालती हूँ फ्रेंड्स, और मतलब कंपोस्ट डालती हूँ, तो काऊ आप कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट मैं इसमें डाली हूँ, मतलब कि आप इसको महीने दो महीने में मैं जब भी मेरा मन करता है, तो ये मतलब कि सारे प्लांट में एक साथ मैं डालती हूँ कंपोस्ट, तो हल्का सा गुड़ाई करके, एक इंच की गुड़ाई करके आप इसमें कंपोस्ट डाल दीजिए, कोई भी कंपोस्ट हो आपके पास, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे काऊ आप कंपोस्ट हो, और बनाना पील या फिर ओनियन पील फर्टिलाइज़र मैं डालती हूँ अपने सारे प्लांट में फ्रेंड्स, और इसमें भी मैं वही ऐड की हूँ। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं बनाना पील फर्टिलाइज़र डाली हूँ,
और आप रह रहे के इसमें महीने में 15 दिन पे जब भी आपका मन करे तो एक बार एनपीके का स्प्रे कर दीजिए। एनपीके फ्रेंड्स, तो एनपीके का आप मतलब स्प्रे कर देते हैं तो प्लांट जो है हमारा हरा भरा रहता है और अच्छे बर्ड्स या अच्छे फ्रूट्स बनना शुरू हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक हमारा यही था। तो चलिए मिलती हूँ किसी और नए वीडियो पे, किसी और नए टॉपिक पे फ्रेंड्स। आई होप कि हमारा पारिजात के प्लांट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। अगर कुछ बाकी रह गया हो तो फिर फ्रेंड्स आप बताइएगा, मैं बताने की कोशिश करूँगी जो भी हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ किसी और नए टॉपिक पे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक शेयर ज़रूर करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। मिलती हूँ किसी और नए वीडियो किसी और नए टॉपिक पे, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।